अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी डाइटिशियन नेमन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अगर आपके फेस पर जो है वो एक्नी स्कार्स हैं, डार्क स्पॉट्स हैं, पिगमेंटेशन है, ब्लेमिशेस हैं, ठीक है, अनइवन स्किन टोन है, तो ये वीडियो आपके लिए है। ठीक है, इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक इतनी ज़बरदस्त रेमेडी शेयर करने वाली हूँ कि इस रेमेडी को यूज़ करने के बाद आप लोग मुझे दुआएं देंगे। इतनी ज़बरदस्त ये रेमेडी है। ठीक है, कई लोगों को ये मसला होता है कि उनके जो है वो एक्नी या पिंपल वगैरह अगर निकलते हैं तो उसके बाद जो है वो निशान छोड़ जाते हैं फेस पे, ठीक है, या फिर जो है वो डल स्किन हो जाती है, ठीक है, अनइवन स्किन टोन है, पिगमेंटेशन का मसला है। तो ये रेमेडीज को आप लोगों ने लास्ट में ट्राई करना है। ठीक है, इसको इस्तेमाल करने से ना सिर्फ आपके जो स्किन है उस पर दाग धब्बे कम होंगे, आपका जो कॉम्प्लेक्शन है वो भी ब्राइट होगा, ठीक है, आपकी जो डल स्किन है वो इससे रिमूव होगी। इस रेमेडी को यूज़ करने से आपकी एक्नी भी कंट्रोल होगी, ठीक है, क्योंकि इससे जो है वो आपकी स्किन साफ होगी, क्लियर होगी, स्किन पर जो भी डर्ट है, जो भी मैल वगैरह है वो रिमूव होगी, जिसकी वजह से आपके जो है वो स्किन में एक्नी नहीं होगी, पिंपल वगैरह नहीं निकलेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको जो है वो हाइपर पिगमेंटेशन का मसला है, ठीक है, ब्लेमिशेस वगैरह हैं स्किन पर, छाइयाँ, दाग धब्बे वगैरह हैं, तो इसको यूज़ करने से वो भी आपके जो है वो लाइट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, आपका कॉम्प्लेक्शन जो है वो ब्राइट होना शुरू हो जाएगा और ये रेमेडी आपकी स्किन को जो है वो नेचुरल ग्लो प्रोवाइड करेगी। ठीक है, इसको बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, आप घर पर इजीली इसको बना सकते हैं, सारे इंग्रेडिएंट्स आपके घर पर ही मौजूद हैं। तो चलें इस रेमेडी को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इस रेमेडी के जो है वो टोटल 2 स्टेप्स हैं। ठीक है, सबसे पहला जो स्टेप है वो है क्लींसिंग। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं क्लींसिंग के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। क्लींसिंग के लिए मैंने यहाँ पर 1 चम्मच बेसन ले लिया है। बेसन आपकी स्किन पर जो भी पोर्स हैं उनकी सफाई करता है, जो भी फेस पर एक्सेसिव ऑयल होता है उसको कंट्रोल करता है, स्किन को सॉफ्ट और स्मूथ बनाता है। ठीक है, इसमें जो है मैं 2 चम्मच दही के शामिल कर रही हूँ। दही जो है इसमें लैक्टिक एसिड मौजूद होता है जो कि आपकी स्किन को भी सॉफ्ट करता है और हाइड्रेट करता है, और ये इतना बेस्ट एक्सफोलिएटर है आपकी स्किन के लिए कि आपके फेस पर जो भी गंदगी है, मैल है, ठीक है, उसको साफ़ कर देगा, डेड स्किन है उसको रिमूव करके आपकी स्किन की बहुत अच्छी तरह से जो है ये क्लींसिंग कर देगा। इसमें जो है मैं 4 to 5 drops लेमन के ऐड कर रही हूँ। ठीक है, और ये 3 इंग्रेडिएंट्स हैं सिर्फ, और जो कि बहुत ही बेस्ट हमारे पास क्लींजर एक तैयार हो गया है जिससे जो है हमारी स्किन बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी और जो है सारी स्किन पर जो भी डेड सेल्स आए हैं, जो भी डर्ट वगैरह है, इससे वो रिमूव हो जाएगी। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके इस कंसिस्टेंसी में जो है वो आपने स्मूथ सा पेस्ट तैयार कर लेना है ताकि ये हमारे फेस पर इजीली अप्लाई हो सके। ओके जी, जो फर्स्ट स्टेप है क्लींजिंग, उसके लिए जो है ये वाला मास्क मैंने बना लिया है। ठीक है, अब इस मास्क को जो है वो फेस पर अप्लाई करते हैं। इस तरह हाथ की मदद से आपने पूरे फेस पर इसको अप्लाई कर लेना है। पूरे फेस पर अच्छी तरह से इसको जो है वो लगाने के बाद आपने 5 मिनट तक जो है वो इसका हल्के हाथों से मसाज करना है। ठीक है, ताकि हमारे फेस की जो है वो अच्छी तरह से क्लींजिंग हो जाए, जो भी डर्ट वगैरह है, जो भी मैल है, ठीक है, वो जो रिमूव हो जाए, ताकि इसके बाद हमने जो सेकंड स्टेप में मास्क अप्लाई करना है तो मास्क के जो है वो इससे भी बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे, बहुत अच्छे भी मास्क के रिजल्ट्स मिलेंगे जब आपका फेस जो है वो पहले से क्लीन होगा। ठीक है, 5 मिनट तक इसकी अच्छी तरह से आपने इस तरह क्लींजिंग कर लेनी है। दही और बेसन जो है बहुत ज़्यादा बेस्ट क्लींजर के तौर पर काम करते हैं, आपकी स्किन को बहुत अच्छी तरह से क्लीन कर देते हैं। चलें जी, 5 मिनट हो गए मसाज करते हुए। ठीक है, अब जो है वो इसको ठंडे पानी से वॉश कर लेना है। ठीक है, मैं इसको जो है वॉश करके आती हूँ। फेस वॉश मैंने कर लिया। ठीक है, इससे स्किन जो है वो काफ़ी सॉफ्ट हो गई है। अब जो है हम चलते हैं अपने सेकेंड स्टेप की तरफ जो कि है फेस मास्क। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इस फेस मास्क को बनाना किस तरह से है। फेस मास्क बनाने के लिए मैंने यहाँ पर जो है वो नीम के पत्ते ले लिए हैं। ठीक है, नीम के पत्ते आपने लेने हैं और इनको जो है वो अच्छी तरह से वॉश कर लेना है ताकि इन पर जो भी मिट्टी वगैरह हो, ठीक है, वो इनसे जो है रिमूव हो जाए। ठीक है, अच्छी तरह से ये साफ़ हो जाए, क्लियर हो जाए। इनको जो है पत्तों को अलग कर लेना है क्योंकि नीम के पत्तों का हमने जो है पेस्ट बनाना है, इसलिए आपने इन सब पत्तों को अलग कर लेना है। नीम जो है ये आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसकी वजह से ये एक्नी नहीं होने देती, और अगर स्किन पर जो है वो एक्नी या पिंपल हों भी तो उनको भी ख़त्म करने में मदद करती है और मज़ीद एक्नी को जो है वो निकलने से रोकती है। ठीक है, क्योंकि इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो भी बैक्टीरियाज होते हैं स्किन पर उनको रिमूव करती है जिसकी वजह से जो है एक्नी नहीं होती। इसके अलावा इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसकी वजह से ये रिंकल्स को और फाइन लाइन से बचाती है। ठीक है, इसके अलावा स्किन को ड्राई नहीं करती, ठीक है, सॉफ्ट बनाती है, मॉइस्चराइज करती है।
नीम के पत्ते जो हैं वो अलग कर लिए हैं, इनको अच्छी तरह से पीसना है, ठीक है। अच्छी तरह से पीस कर इनका पेस्ट बना लेना है। नीम जो है वो एक्नी स्कार्स और पिगमेंटेशन को ख़त्म करती है, ठीक है। इसके अलावा नीम में विटामिन सी पाया जाता है, जिसकी वजह से ये स्किन में कोलेजन की प्रोडक्शन को बढ़ाती है, ठीक है। स्किन को जो है वो टाइट करती है, यंग करती है, जो भी फाइन लाइन्स और रिंकल्स हैं उन सब जाती है, ठीक है। यहाँ पर मैंने जो है वो अच्छी तरह से इसको पीस लिया है और इस तरह से जो है वो इसका पेस्ट बन गया। अब जो है वो इस पेस्ट में से इसका जूस निकालना है। जूस किस तरह से निकालना है कि इस पेस्ट को जो है वो मैंने हाथ में लेकर अच्छी तरह से जो है वो दबाया था, जिसकी वजह से इसका जो जूस है ना वो निकल गया था, ठीक है। सिंपली इसका जूस निकल आता है और इसका हमें जो 2 चम्मच भर कर जो है वो इसका जूस हमें चाहिए, ठीक है। और वो जो है वो निकल आया था, यहाँ पर जो है वो 2 चम्मच इसका जूस निकल आया है नीम का, ठीक है। नीम जो है ये अनइवन स्किन टोन को भी ख़त्म करती है, स्किन पर जो है वो एक्ने की वजह से जो निशान पड़ जाते हैं या जो डार्क स्पॉट्स होते हैं, ठीक है, उनको भी लाइट करने में मदद करती है, स्किन को ग्लो प्रोवाइड करती है, ठीक है। हाइड्रेट करती है, स्किन पर जो भी एक्सेसिव ऑयल होता है उसको कंट्रोल करती है, तो इसलिए ये आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। यहाँ पर जो है 2 चम्मच नीम का जूस ले लिया है, उसमें मैंने 1 चम्मच जो है मुल्तानी मिट्टी का शामिल किया, ठीक है। मुल्तानी मिट्टी और नीम जो है ये दोनों ही आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट वर्क करते हैं, बहुत ज़्यादा मैजिकल वर्क करते हैं, ठीक है। इसमें जो है वो मैं 1/2 चम्मच ही रोज़ वाटर का शामिल करूँगी और इसका जो है वो अच्छी तरह से इनको मिक्स करके इसका पेस्ट बना लेना है, ठीक है। मुल्तानी मिट्टी एक तो फेस को ये जो है वो बहुत अच्छे से क्लिनजिंग करती है, स्किन को जो है वो ब्राइट करती है, ग्लो प्रोवाइड करती है। इसके अलावा मुल्तानी मिट्टी जो है वो एक्नी और पिम्पल्स को ट्रीट करती है, ठीक है। एक्ने के निशान जो होते हैं स्किन पर उनको ख़त्म करने में मदद करती है, डार्क स्पॉट्स हैं, ब्लेमिशेस हैं उनको ख़त्म करती है, स्किन को जो है वो टाइट करती है, ठीक है, पोर्स को बंद करती है, ठीक है। ये आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। इसके अलावा स्किन को ये स्मूथ बनाती है, ठीक है, स्किन को जो है वो टाइट करती है, लिफ्ट अप करती है, एजिंग को प्रिवेंट करती है, स्किन को जो है वो यूथफुल ग्लो प्रोवाइड करती है। नीम और मुल्तानी मिट्टी का ये जो फेस मास्क है ये स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। अगर स्किन पर सूजन है या इची स्किन है, ठीक है, तो ये उसके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। स्किन को जो है वो कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये मास्क जो है वो स्किन पर जो भी डेड सेल्स होंगे उनको रिमूव करेगा, स्किन को जो है वो क्लियर करेगा और रेडियंट बनाएगा, ठीक है। हाइपर पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट्स हैं उनको ख़त्म करेगा, स्किन को जो है वो ब्राइट करेगा, कॉम्प्लेक्शन ब्राइट करेगा स्किन का। इस कंसिस्टेंसी में आपने जो है वो इसका स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है और इसको जो है फिर हम फेस पर अप्लाई करते हैं। अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पर न्यू है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो चलें चलते हैं, इस मास्क को जो है वो देखते हैं किस तरह से अप्लाई करना है। ये मास्क जो है वो आपके फेस को, आपकी स्किन को जो है वो सॉफ्ट बनाएगा, ठीक है, हाइड्रेट करेगा और ड्राई होने से भी बचाएगा, और आपकी स्किन को जो है वो एक ग्लो प्रोवाइड करेगा, स्किन को ब्राइट करेगा। चलें जी, फेस मास्क जो है ये हमारा बन गया, ठीक है। इतनी ज़बरदस्त, इतनी प्यारी खुशबू आ रही है ना इसमें से, ये देखें ये कुछ इस तरह से बना है, ठीक है। अब इसको जो है फेस पे अप्लाई करना है, ठीक है, खुशबू बहुत प्यारी आ रही है। अच्छा, इसको ब्रश की हेल्प से, ठीक है, सारे फेस पर मैं जो है इसको अप्लाई कर लूँगी। ठंडा इस फेस मास्क को आप हफ्ते में जो है वो 2 दफ़ा अप्लाई कर सकते हैं। पूरे फेस पर इस तरह से अच्छी तरह से अप्लाई करने के बाद इसको जो है वो 15 से 20 मिनट तक लगे रहने देना है, ताकि ये ड्राई हो जाए, ठीक है। तो अब जो है वो इंतज़ार कर लेते हैं 15 से 20 मिनट तक, ताकि ये ड्राई हो जाए। 15 मिनट हो चुके हैं और मास्क जो है ये आलमोस्ट ड्राई हो चुका है। जहाँ पर जो है वो मास्क की थिन लेयर अप्लाई हुई थी वो तो सारा ड्राई हो गया है, और बाकी जो है वो भी आलमोस्ट ड्राई हो चुका है, लेकिन इसको जो है मैं वॉश कराऊंगी, ठंडे पानी से आपने इसको वॉश कर लेना है। ओके जी, फेस वॉश मैंने कर लिया, ठीक है। इससे जो है वो एक तो आपकी स्किन ब्राइट हो गई है, ठीक है, कलर जो है वो इतना ब्राइट हो गया है, और दूसरा जो है वो स्किन टाइट हो गई है, ठीक है। पता नहीं अब आपको कैमरे में डिफरेंस पता लग रहा है या नहीं, लेकिन जब आप लोग खुद इसको ट्राई करेंगे ना तो आपको बहुत ही क्लियर डिफरेंस नजर आएगा अपनी स्किन में, बिफोर और आफ्टर में, ठीक है। इतनी अच्छी, इतनी ब्राइट स्किन हो जाती है, जो भी डलनेस है वो सारी रिमूव हो गई है, ठीक है। स्किन जो है फ्रेश हो गई है एकदम से, ब्राइट भी और साथ फ्रेश भी, ठीक है, और टाइट भी। ये जो नीम का जो हमने फेस मास्क बनाया है ये जो है स्किन को टाइट भी करता है, ठीक है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियोस। एंड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और आपने इस रेमेडी को लास्ट में ट्राई करना है, इसके बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। इस रेमेडी को ट्राई करने के बाद आपने मेरे साथ जो है वो कमेंट्स में अपना फीडबैक लास्ट में शेयर करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।